नमस्कार मम्मी यम्मी किचन फूड में आपका स्वागत है। और आप कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं जा रही हूँ घिया के बैठुआ सब्जी बनाने, और इसे बराबर की सब्जी भी बोलते हैं क्योंकि घिया को अच्छी तरह से धो के काट ली हूँ। काटने के बाद में ये बराबर से प्याज ले ली हूँ मैं, इसके अंदर प्याज डाल के मिलाना है अच्छी तरह से। इसके अंदर हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, काली मिर्च और जीरा ये पीस ली हूँ मिक्सी में। इसके अंदर डाल के इसको मिलाना है। ये नमक स्वाद अनुसार, ये गरम मसाला है और ये कश्मीरी मिर्च है, कलर के लिए है। नहीं तो इसमें ग्रीन चिली मैं डाल रखी हूँ तो इससे तीखा हो जाएगा, इसलिए मैं ये कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ। और ये हल्दी, इसे भी मिला लेना है अच्छी तरह से। और इसके अंदर तेल डालना है, तो तेल को थोड़ा सा गरम कर ली हूँ ताकि कच्चा फ्लेवर ना हो। ये देखिए, और ये फोड़न के लिए है। अब इसे मिला लेती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है सब्जी घिया का, आप बना के खाइए। अगर जो नॉनवेज खाते हैं उनको बहुत पसंद आएगा, और जो नहीं खाते हैं नॉनवेज उनको भी बहुत पसंद आएगा। जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं और उनके लिए है कि लहसुन प्याज न डालें, और ऐसे ही मसाला सारा मिला करके बनाएं बिना लहसुन प्याज के। बहुत टेस्टी बनता है, रोटी से खाइए, चावल से खाइए। आप एक बार ज़रूर बना करके मेरे तरीका से देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और अभी कोरोना के टाइम है तो अभी घिया के सब्जी खाना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन के काम करता है घिया। घिया के जूस भी लोग पी रहे हैं, घिया के सब्जी खा रहे हैं। तला भुना ज़्यादा नहीं खाना है, और जो भी चीज़ खाना है अभी सबके अंदर फाइबर हो और प्रोटीन हो, और ग्लूकोज वाली चीज़ कुछ नहीं खाना ताकि शरीर में शुगर की मात्रा ज़्यादा ना बढ़े। कोरोना होने के बाद शुगर बढ़ जाता है, इसलिए मीठा भी नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बंद कर देना चाहिए। चाय भी पिए तो थोड़ा हल्का चीनी डाल करके या हल्का गुड़ डाल करके, ज़्यादा मीठा नहीं, काढ़ा के अंदर भी मीठा नहीं पीना है। अब मैं इसे इसमें डाल देती हूँ। देखिए कितना सुंदर इसका कलर लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। प्याज भी खाना ज़रूरी है और लहसुन भी खाना ज़रूरी है। अगर शरीर बचाना है, अपने आप को बचाना है, परिवार को बचाना है, तो लहसुन प्याज ज़रूर खाएं, इससे शरीर गर्म रहेगा। जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो कोशिश करें खाने के लिए। हाँ, नॉनवेज नहीं खाएं कोई बात नहीं है, दूसरे तरीका से प्रोटीन ले लें, लेकिन लहसुन प्याज खाना बहुत ज़रूरी है। अब इसके ऊपर से एक बर्तन रखूंगी। और इस बर्तन में पानी डाल दूंगी। कोई दूसरा बर्तन गहरा होता तो उसको डालती, लेकिन वो इस पे फिट नहीं हो रहा है तो मैं थाली में ही पानी डाल दी हूँ। और जब ये थाली के अंदर हल्का हल्का पानी के गर्म होने के बाद बुलबुला से आने लगेगा, हल्की हल्की छोटी छोटी बुलबुला, तब मैं इसे फिर निकाल करके, इसे हटा करके चलाऊंगी। इसे ऐसे बैठा करके छोड़ दी मैं। और फुल फ्लेम है, मीडियम पे बनाना है। अभी शुरू में फुल फ्लेम रखना है, फिर इसके बाद मीडियम कर देना है। ये देखिए पानी के अंदर बुलबुला सा आ गया, अब इसे मैं हटाऊंगी इस पानी को।
थोड़ा थोड़ा इसे चलाना है। ताकि नीचे ना लगे ये। फिर इस पर पानी रखूंगी, दूसरा पानी रखूंगी। ऐसे तीन बार मुझे रखना है, तीन बार रखूंगी, उसके बाद आप देखिए फिर इसके अंदर बुलबुला आएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए दूसरा राउंड पानी है, इसमें भी बुलबुला आ गया है। अब इसे मैं हटाती हूँ, केयरफुल पानी हटाना है, हाथ ना जले, ये बर्तन ही ऐसा है। ये देखो दो बार पानी जो डाली हूँ, ये गर्म पानी है दोनों बार का, इसमें मैं रखी हूँ। और इसे देखिए कितना सारा तेल ऊपर आ गया, देखो। अब इसके अंदर एक राउंड पानी और रखना है। और गैस के फ्लेम में देखिए मीडियम कर दी हूँ। और ये टोमेटो पीसी हुई है, इसमें से आधी मैं लूंगी। अब इसके ऊपर थाली रख दी। अब ये मैं तीसरा राउंड पानी रख दी। ये पानी जब बुलबुला हो जाएगा उसके बाद सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। ये जो पानी रखने का मकसद है कि इसके अंदर भाप बनके थाली के नीचे से बूंद बूंद करके इसके अंदर पानी जाती है, जिसके वजह से इसके अंदर अच्छी तरह से पक जाती है। फुल फ्लेम पे शुरुआत में रखना है, उसके बाद मीडियम कर देना। अगर मीडियम में भी लगे कि अगर सब्जी लग रही है तो फिर बिल्कुल स्लो कर देना है अपने हिसाब से, क्योंकि घिया किस टाइप के है, जो बहुत सॉफ्ट घिया होता है उसमें बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देती है, कोई सूखा घिया होता है रूड होता है तो रूड घिया में पानी तो छोड़ेगी नहीं, तो इसलिए बिल्कुल स्लो करके उसमें बनाएं। और सॉफ्ट घिया है तो उसमें बहुत सारा पानी निकल जाता है। तो चलिए अब मैं तीसरा राउंड फिर दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये तीसरा राउंड है, यानी कि लास्ट राउंड पानी है, बॉयल हो गया है। अब मैं इसे हटाती हूँ। पानी जब भी आप रखिएगा केयरफुल, हाथ ना जले, बाद में ये मत करना कि मैं जला दूंगी। और ये देखिए ये भर गया गर्म पानी से, पूरा तीन राउंड में इतना सारा पानी लगा है। और इधर दिखाओ जरा, बिल्कुल क्लोजअप करके दिखाओ, बोल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, टेस्टी लग रहा है मम्मी। अच्छा लग रहा है, देखो कितना अच्छा। अभी मैं इसको हाथ भी नहीं, अभी चलाई नहीं हुआ, खाने में बहुत मजा आएगा ये। और थोड़ा क्लोजअप करो, क्या बात है, बहुत टेस्टी लग रहा है कि मटन बन रहा है, बिल्कुल रस भरी खुशबू कितनी अच्छी, रस भरी सब्जी आप बनाओगे। देखो कितना अच्छा ग्रेवी भी हो गया। इसमें पानी डालने की कोई जरूरत नहीं है, देखिए अच्छी तरह से मिला देती हूँ इसे। इसे थोड़ा प्याज जो है, इसको बराबर की सब्जी इसलिए बोलते हैं कि जितना घिया है उतना ही प्याज लगता है, आप अंदाज से बराबर रख ले। अदरक लहसुन की मात्रा ज़्यादा रखें, मिर्ची अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से नमक डालें और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से, ताकि तीखा ना लगे। इसमें आप खड़ा मसाला भी डाल सकते हैं, बड़ी इलायची छोटी इलायची सब डाल सकते हैं खड़ा। मैं इसमें गरम मसाला डाल दी हूँ, खड़ा नहीं डाली हूँ।
कितना बढ़िया मिल गया, अच्छी तरह से बिल्कुल सब्जी बन के तैयार हो गया है। देखिए देखिए घिया की सब्जी बिल्कुल बन के तैयार हो गया। अब मैं फुल फ्लेम कर दी हूँ। अगर आपको इससे ज़्यादा ग्रेवी खाना है तो पानी इसमें मिला लीजिएगा, लेकिन पानी मिलाने के बाद टेस्ट थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। बिना पानी वाला टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके साथ रोटी चावल दोनों आप खा सकते हैं बहुत ही अच्छा सा। देखिए सब्जी बन के तैयार है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ, इसके बाद डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना मस्त सब्जी है, बहुत ही यम्मी है। ज़रूर बनाइए, जो घिया बच्चे नहीं खाते हैं वो भी खाने लगेंगे। तो लीजिए घिया के बैठा हुआ सब्जी बन के तैयार है। अगर आपको अच्छा लगे तो मम्मी एमी किचन फूड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा।